नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाष पांडे। आज है सुपर संडे और सुपर संडे में दो मुकाबले हैं। हम शाम के मुकाबले की बात कर रहे हैं। शाम का मुकाबला जो है वो है राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस। ये दोनों ही टीमें काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही हैं। दोनों ही टीमें थोड़ा सा पीछे ज़रूर है पॉइंट्स टेबल में, लेकिन दोनों ही टीमों के पास काफ़ी कुछ है प्रूफ करने के लिए। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स अपने घर सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में अपना मैच खेलेगी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। आपको बता दें कि अंक तालिका में मुंबई इंडियंस जो है वो सातवें नंबर पर है और ठीक उनके ऊपर यानी कि छठे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स है। दोनों ही टीमों को जीत की बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और दोनों ही टीमें चाहेंगी कि यहाँ से जीत जो है वो आगे लेकर जाएं। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने पिछले मैच में अपने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर जीत का खाता खोला था। लगातार तीन मैच हारी थी शुरुआती, लेकिन तीन काफ़ी करीबी मैच हारी थी मुंबई इंडियंस की टीम। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए तो इन्होंने भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया है। पिछले मैच में ये चेन्नई से हारे हैं, तो इस मैच में थोड़ा सा मनोबल ज़रूर गिरा होगा, लेकिन जिस तरह से पिछले मैच में टीम खिलाई है अजिंक्य रहाणे ने, वहाँ से बल्लेबाजी थोड़ी कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान की जो गेंदबाजी है वो वाकई काफ़ी शानदार है, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी, क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम की जो विकेट है वो विकेट जो है वो एक आइडियल विकेट मानी जाती है बल्लेबाजों के लिए, यानी कि यहाँ पर करीब 170 से 200 रन बनते हैं। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि जो आपका बैटिंग ऑर्डर है वहाँ पर बहुत आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई पे भी बहुत कुछ काम, क्योंकि अभी तक जो तीन मुकाबले हारे हैं उन्होंने चार में से, वो तीनों मुकाबले आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक गए हैं, तो बहुत क्लोज हारी है मुंबई की टीम। पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर की थी, लेकिन अब मुंबई के पास भी बहुत कुछ है प्रूफ करने के लिए। मुंबई को भी अब चाहिए कि उनके जो बल्लेबाज हैं वो बड़ा स्कोर खड़ा करें, ताकि जो टीमें हैं वो आराम से जो है वो आप राजस्थान रॉयल्स को हरा सकें। अब दोनों ही कप्तान रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे दोनों ही काफ़ी अच्छे कप्तान माने जाते हैं। अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छी कप्तानी की है अभी तक की अगर बात की जाए। राजस्थान के पांच मैचेस हो चुके हैं जिसमें दो में उन्हें जीत मिली है और तीन में हार मिली है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को अब समझना पड़ेगा कि भाई आपका आइडियल और सही बैटिंग ऑर्डर है क्या। डार्सी शॉर्ट को आपने खिलाया KFC से, अब वो आप उनको लेकर आए। डार्सी शॉर्ट एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में खेल रहे हैं इनकी टीम में जो कि एक मतलब बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन डार्सी शॉर्ट विफल रहे हैं पांच मैचों में। चलिए, दो मैचेस में आप रनआउट हो गए, एक मैच में आपने 44 किए, उसके बाद आपका वही हाल है। अजिंक्य रहाणे का एक चीज़ है, जो एक चीज़ दिखा है IPL सीजन 11 में, वो ये है कि अजिंक्य रहाणे जो हैं अब उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर है, स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा है। पहले भी अच्छा था, लेकिन अब उन्होंने अपनी रन गति बनाने की स्पीड को और बढ़ा दिया है, ताकि नीचे वाले जो आने वाले जो बल्लेबाज हैं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि हो सकता है कि डार्सी शॉर्ट को इस मैच में भी बैठना पड़े, क्योंकि हेनरिक क्लासिन को अभी तक इन्होंने टेस्ट नहीं किया है। क्लासिन हालांकि पिछला मैच ज़रूर खेले थे चेन्नई के खिलाफ, लेकिन क्लासिन भी उस तरह की लय में नज़र नहीं आ रहे थे जिस चीज़ के लिए उन्हें टीम में रखा गया है। जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर गई थी तो क्लासिन का एक अलग ही अंदाज भारतीय टीम ने देखा था। तो कहीं ना कहीं अब ज़रूरी है कि भाई अब टीमें जो हैं वो इस संतुलन को बनाएं, और जब जो दूसरी फेज़ की ओर जो बढ़ रहा है IPL सीज़न 11, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अभी तक अपनी टीम नहीं मिली है तो दिक्कत होने वाली है भाई आगे आने वाले मैचेस में। दूसरी बात क्या है कि जो इनका मिडिल ऑर्डर है ये संजू सैमसन के इर्द गिर्द घूमता है। संजू सैमसन एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी इनिंग खेली है उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हाल ही में, और काफ़ी पॉजिटिव हैं। दूसरी बात, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ है कि भाई संजू सैमसन जल्दी आउट हो जाते हैं, बेन स्टोक्स अभी उस लय में नज़र नहीं आए हैं, जॉस बटलर ने हालांकि एक आध मैचेस में अच्छी पारी खेली है, लेकिन जॉस बटलर को भी जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो चीज़ अभी तक जॉस बटलर ने नहीं की है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन तीन चार जो खिलाड़ी हैं इनका फायर होना, क्योंकि अगर ये फायर नहीं होंगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मुंबई जैसी बड़ी टीम को हराने के लिए आपको एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें राजस्थान की ओर से, तो राजस्थान की प्लेइंग 11 में अजिंक्य रहाणे और हेनरिक क्लासिन ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे।
तीन नंबर की बात की जाए तो तीन नंबर पे बेन स्टोक्स, या फिर माफ कीजिएगा, तीन नंबर पर संजू सैमसन को मौका दिया है। और क्योंकि संजू सैमसन काफी अच्छे से सफल हो रहे हैं, इस वजह से संजू सैमसन की जगह जो है वो तीन नंबर पर बनती है। चार नंबर की बात की जाए तो बेन स्टोक्स थोड़ा अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, एक संतुलन प्रदान करते हैं, अच्छे फील्डर भी हैं। पांच नंबर की बात की जाए तो इनकी टीम में जॉस बटलर से बेहतर बल्लेबाज नहीं है जो पांच नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। छह नंबर की बात की जाए तो छह नंबर पर इनकी जो गेंदबाजी है, यानी कि गौतम गौतम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और काफी अच्छे तरीके से अपनी बॉल को स्किट कराते हैं, तो बहुत जरूरी है गौतम का रहना। सात नंबर की बात की जाए तो गौतम की तरह ही एक और गेंदबाज हैं जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, वो है गोपाल। गोपाल भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, तो ये दो ऑलराउंडर का होना इस टीम के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनाता है। और उसके बाद अगर हम गेंदबाजी की बात की जाए तो लॉफलिन काफ़ी अच्छा मैच खेल रहे हैं और काफ़ी शानदार तरीके से लॉफलिन को खिलाया गया है। अभी तक पांच मैचेस में एक अच्छे गेंदबाज के रूप में उभर कर आए हैं। उसके बाद जयदेव उनादकट बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, हो सकता है कि आज राहुल त्रिपाठी को भी मौका दिया जाए। हम ये बल्लेबाज की बात कर रहे हैं, उनादकट तो गेंदबाज अच्छे हैं। ये जो राहुल त्रिपाठी का जो पिछला प्रदर्शन है, क्या राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे पिछले सीजन में, तो बहुत ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे राहुल त्रिपाठी प्लेइंग 11 में रखें, क्योंकि वो एक संतुलन प्रदान करेंगे, बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, रणजी में उनका एक अच्छा रिकॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है राहुल त्रिपाठी को, यानी कि 6-5 के कॉम्बिनेशन से अजिंक्य रहाणे की टीम जाएगी। बाकी की बात की जाए तो अब गेंदबाजी पे धवल कुलकर्णी और जयदेव उनादकट पे बड़ा बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि राजस्थान की टीम इन दोनों की पेस अटैक की के ऊपर डिपेंड करती है, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप महज चार ही खिलाड़ी खिला सकते हैं, तीन आपके पास बल्लेबाज आप खिला रहे हो प्लेइंग 11 में, चौथा आपको लॉफलिन के रूप में खिलाड़ी मिला है। चलिए अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। मुंबई इंडियंस बड़ी खतरनाक टीम है भाई इस सीज़न में, मतलब पहले ही मैच से उन्होंने दिखाया है, क्योंकि हमेशा से यंग टैलेंट को उभारती हुई नजर आती है मुंबई इंडियंस की टीम। इवन लिविस और ईशान किशन, हो सकता है ईशान किशन आज का मैच खेलें, पिछले मैच में हालांकि हार्दिक पांड्या का थ्रो लगा था तो उनको चोट जरूर लगी थी, लेकिन आज हो सकता है ईशान किशन खेलते हुए नजर आए। ईशान किशन और इवन लिविस ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वन डाउन की अगर बात की जाए तो खुद कप्तान रोहित शर्मा बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, तो बड़ा ज़रूरी है रोहित शर्मा का इस टीम में होना, कप्तान तो है ही। और चार नंबर की बात की जाए तो जिस तरह से अभी जो चल रहा है, जो जो टीम है जो एक अच्छे तरीके से उभर कर आ रही है, हाल ही में उसने अपनी पहली जीत हासिल की है, तो चार नंबर पर कृणाल पांड्या को मौका दिया जा सकता है। पांच नंबर की बात की जाए तो कायरन पोलार्ड पांच नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। छह नंबर की बात की जाए तो कृणाल पांड्या के छोटे भाई और टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका दिया जाएगा। तो अब जरूरी हो गया है कि ये जो बल्लेबाज हैं ये कुछ इस तरह का काम करें ताकि जो एक संतुलन चाहिए टीम को वो संतुलन उन्हें मिल पाए। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो मयंक मार्कंडेय बड़े मिस्ट्री बॉलर हैं भाई, ये भी बड़े डेंजरस बॉलर हैं और इनको भाप पाना इतना इजी नहीं होगा किसी भी गेंदबाज के लिए, माफ़ कीजिएगा बल्लेबाज के लिए। विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज को ये चकमा दे चुके हैं, तो मार्कंडेय का होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह के रूप में आपके पास एक बेहतरीन डेथ बॉलर है, मिचेल मैकलेनगन है जो आपको मैच निकाल कर दे सकते हैं, तो बहुत कुल मिला के मुस्तफिजुर रहमान है डेथ ओवर्स में। कुल मिला के गेंदबाजी चिंता का विषय नहीं है, इनकी चिंता का विषय था बल्लेबाजी, जिसको इन्होंने पिछले मैच में दूर किया और क्या कमबैक किया है मुंबई की टीम ने, ये वाकई काबिले तारीफ है। और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में सितारों से भरी इस टीम में कितने दिग्गज जो हैं वो अपने बल्ले से बोलते हैं और कितने दिग्गज अपना डंका बजवाते हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है इन खिलाड़ियों के लिए कि भाई आज तो हम मैच जिता के ही मानेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है मुंबई इंडियंस की, उससे कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द इनको कमबैक की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक बार आप पीछे छूट गए तो आप पीछे छूटे चले जाते हैं। हालांकि 2015 में लगातार पाँच हारी थी मुंबई इंडियंस की टीम, लेकिन उसके बाद क्या कमबैक किया था और सीधा प्लेऑफ्स में जगह बनाई थी, तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस से उसी तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। और
राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के बारे में भी हमने आपको बताया। बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि भाई ये जो है, ये जो टीम है, ये अपनी तरह से आगे बढ़े और एक बड़ा जो लक्ष्य है उसको खड़ा करने में कामयाब हो। करीब 170 से 200 रन तो बनते हैं इस विकेट पर, क्योंकि काफ़ी अच्छे विकेट हैं। तो इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले मैचेस को लेकर, लेकिन फ़िलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।